रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की घोषणा। किराए में 14.2% की गई बढ़ोतरी। माल भाड़े को 6.5% बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इराक में 40 भारतीयों के अपहरण के संबंध में स्थिति का जायजा लिया। सरकार ने इसे उच्च प्राथमिकता का विषय बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि हिंसा प्रभावित इराक में 16 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि अगर इराक में हालात नहीं सुधरे तो कच्चे तेल के दाम और बढ़ सकते हैं और सरकार के लिए अर्थव्यवस्था को संभालने में मुश्किलें आ सकती हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज साफ किया कि केंद्र में सत्ता बदलने के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में बदलाव होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि राज्यपालों के बदले जाने के मामले को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री से राज्य से जुड़े सभी विषयों पर बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल अपनी पसंद का विषय है, इसे किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। देश में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा से ही सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अंग्रेजी के साथ साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी काम कर सकते हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया में हिंदी के उपयोग को लेकर उठे विवाद पर वेंकैया ने कहा कि उनकी सरकार देश के किसी भी क्षेत्र में हिंदी को थोपे जाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देश के लोगों के हित में होगा कि वो मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी सीखें। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने हिंदी के इस्तेमाल पर तुरंत एक नया दिशा निर्देश देने की मांग की। प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि हिंदी को महत्व दिए जाने का मामला एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसको लेकर तमिलनाडु के लोग सहज नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 2,74,705 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें 4,132 करोड़ रुपए घाटे का अनुमान है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज आश्वासन दिया कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाएगी। उन्होंने आज त्रिशूर में दैनिक जन्मभूमि मलयालम के 6वें संस्करण का शुभारंभ किया। भारत के जीतू राय ने स्लोवेनिया के मैरीबोर में चल रहे ISSF विश्व कप में पुरुषों की एयर पिस्टल में आज स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचा। फ्री पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले जीतू ने एयर पिस्टल के फाइनल राउंड में सोने का तमगा जीता।